नमस्कार। तेज रफ्तार खबरों से पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में सभी पार्टी के नेता मिले। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई लोकसभा स्पीकर के कमरे में। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद ये बैठक हुई, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी की भी मुलाकात हुई है। लोकसभा स्पीकर के कक्ष में ये बैठक हुई जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात, मानसून सत्र खत्म हो चुका है और उसके बाद ये बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। और इधर शिकायत करने के लिए भिंड कलेक्टर पर एफआईआर की मांग की जा रही है। दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह ये भिंड के देहात थाना पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर के खिलाफ ये शिकायत है। कलेक्टर के वायरल ऑडियो को लेकर ये सभी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। थाने में केस दर्ज न होने पर कोर्ट जाने की बात भी इन्होंने कही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज दरअसल कांग्रेस इकट्ठा हुई थी भिंड में। महोदय ने फोन पर, विनोद जैन को फोन पर कहा कि मैं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा, केवल मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला सकता हूं। हिंदू मुसलमान का ये फैसला है। जो कर्मचारी, जो अधिकारी आज के यात्रा देगा, प्रशांतता करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव रहेगी। और वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी, चाहे हवलदार हो, चाहे तहसीलदार किए गए हैं, उन पर नपती करना, शासकीय भूमि को वापस उसके मालिकान तक लौटाना, और ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। इसी बात को लेकर शायद चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेसी जन, और कांग्रेसी जनों की इस चिंता को उन्होंने अपने अभिलेख में उतार कर अपने पत्र के माध्यम से। और सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ भिंड से जुड़े हुए हैं। रवि रमन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? ललित जी, मैं आपको बताऊं कि जब से पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के लाहर की कोठी का जब से सीमांकन का कार्य शुरू हुआ है, तब से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, लेकिन इसी आरोप प्रत्यारोप के चलते भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को चालू किया था, इसी को चलते आज भिंड में पूरी प्रदेश और राष्ट्रीय कांग्रेस आज एकजुट हुई थी, एक मंच पर दिखी थी। और लगातार वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, या चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हो, या कांग्रेस के जितने भी अरुण यादव और हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष, सभी नेताओं ने एकजुट होकर एक आवाज में सरकार को और प्रशासन को, भिंड के प्रशासन को घेरा था और लगातार कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इसी बीच एक यू टर्न इसी तरह लिया कि अचानक दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह साथ में हेमंत कटारे, राकेश चौधरी के साथ अचानक देहात थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने भिंड कलेक्टर के एक वायरल ऑडियो के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कराने की एक शिकायती आवेदन दिया है। जिसमें थाने में आवेदन देने के बाद जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि कलेक्टर के द्वारा दो भिंड में हत्याएं हुई थी, जिनमें एक हत्या पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो उल्लेख किया है, इस पर कांग्रेस ने जरूर आपत्ति जता दी है और लगातार इस पर हमलावर भी रही है कांग्रेस। लेकिन आज शिकायती आवेदन दिया गया और ये भी कहा है, चुनौती, ये चेतावनी भी दी गई है ललित जी, कि अगर यदि थाना प्रभारी, अगर यदि सत्ता और शासन के अगर दबाव में अगर यदि एफआईआर नहीं करेगा तो मैं कोर्ट की दहलीज तक भी खटखटाऊंगा। लेकिन कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की लगातार कांग्रेस अब मांग पर उतर आई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रवि रमन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। भिंड में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। पटवारी ने कहा, प्रदेश में माफिया की सरकार। बैतूल के कबाड़खाने में मिले बम के खोल, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता।
शाजापुर में जर्जर मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दो मकान और एक स्कूल को गिराया, सीएम के निर्देश पर कार्रवाई। जबलपुर में नागपंचमी पर वन विभाग ने दो दिन में 15 सांप जब्त किए, सपेरों के खिलाफ केस दर्ज। नरसिंहपुर में दो अलग अलग जगह पर लाश मिलने से फैली सनसनी, जांच कर रही पुलिस। खरगोन के सुरपाला में ट्रॉले ने बाइक को मारी टक्कर, तीन लोग गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर में गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में कराई गई डिलीवरी। सतना में मरीज को खाट पर ले जाते ग्रामीण, बारिश के चलते दलदल में तब्दील हुई सड़क। सुकमा में विश्व आदिवासी दिवस पर 5 महिला समेत 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कोंटा इलाके में थे सक्रिय। छतरपुर में विधायक अरविंद पटेरिया को आया फर्जी कॉल, राष्ट्रीय नेतृत्व में पद दिलाने का दिया गया लालच। आगरमालवा में ट्रक से 2 क्विंटल 90 किलो गांजा बरामद, 1,94,00,000 बताई जा रही कीमत। बिलासपुर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर महिला से लूट, महिला से मंगलसूत्र लूटकर बदमाश फरार। खंडवा में न्यूज 18 की खबर का असर, नर्मदा में नाव पलटने पर पुलिस और प्रशासन एक्टिव, लोगों से घाटों पर न जाने की अपील। नीमच में ट्रेवल्स की 2 बस आरटीओ ने जब्त की, ओवरलोड के चलते की गई कार्रवाई। रीवा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद की, कार से 99 किलो गांजा बरामद। अनूपपुर में अधिकारियों ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क हादसे में घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जबलपुर में पटवारियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन, बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप। भिंड में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए दिग्गज नेता, एक मंच पर नजर आए दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी। मंदसौर के शामगढ़ थाने में आपस में भिड़े 2 पक्ष, बीच बचाव में एसआई और हेड कांस्टेबल घायल। कोंडा गांव में नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसा, एसिड से भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर क्लीनर दोनों गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम। धमतरी में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ आरोपी गिरफ्तार, 122 नशीली टैबलेट जब्त। नीमच शहर में विश्व आदिवासी दिवस पर निकाला गया जुलूस, हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हुए शामिल। उमरिया में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों ने निकाली रैली, महापुरुषों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बालाघाट में बारिश के चलते दलदल बनी सड़क, यहां से गुजरी शव यात्रा, लड़खड़ाते कदमों से शमशान पहुंचे गांव वाले। बुरहानपुर के उमरदा गांव में कुएं में गिर गया चोर, खेत में मोटर पंप चोरी करने गया था। कवर्धा में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा हुए शामिल, लोगों को दी बधाई। बस्तर में विश्व आदिवासी दिवस पर सड़क पर उतरा समाज, जल जंगल के साथ मौलिक अधिकारों को पूरा करने की मांग। कांकेर में आदिवासी समाज ने धूमधाम से निकाली रैली, डीजे की धुन पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ थिरकते दिखे आदिवासी। दंतेवाड़ा के जवांगा में विश्व आदिवासी दिवस की धूम, ढोल नगाड़े नृत्य के साथ विशेष पोशाक में दिखे समाज के लोग। पन्ना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील। एमपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी भोजन व्यवस्था पर दिया स्टे। सागर हादसे के बाद रायसेन में जिला प्रशासन अलर्ट, जर्जर भवन और बिल्डिंगों की जांच के आदेश। टीकमगढ़ में चिटफंड कंपनी का फर्जीवाड़ा, करोड़ों रुपए का गबन, 14 पर मामला दर्ज। भोपाल में नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी के घर छापा, कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। कोरिया में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत, बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। इंदौर में ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर 39 लाख हैठे। नीमच में बारिश के कारण 21 जर्जर मकानों को नोटिस, जर्जर मकान का हिस्सा नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में नागद्वारी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, नागदेवता की पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। जबलपुर में गौर नदी के तेज बहाव में बह गई महिला, कटिया घाट पर नहाने के दौरान हादसा। बुरहानपुर में बेटियों ने दिया पिता को कंधा, साथ ही बेटी ने ही पिता को मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार। बड़वानी में कुएं में गिरा तेंदुआ, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, विभाग ने किया रेस्क्यू। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, अनूपपुर शहडोल सीधी सिंगरौली के ज्यादातर स्थानों पर बिजली गिरने की का अनुमान। मनेन्द्रगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी, पुल के ऊपर से छलांग लगा रहे बच्चे। अंबिकापुर में नागपंचमी पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, नागदेवता की पूजा अर्चना। बलरामपुर में बाइक समेत नाले में बह गया युवक, ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे वाह बाहर निकाला। कोरबा में बारिश के पानी में बह गई सड़क, कई गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा, लोग परेशान। कोरबा में एसईसीएल की खदान में घुसा पानी, कई गाड़ियां और मशीन पानी में डूबी। जशपुर में शराब की दुकान में घुस गया पानी, शराब की बोतल टूटने से भारी नुकसान।
जशपुर में घगिया नाले पर बना रपटा टूटा, ग्रामीणों को हो रही आने जाने में परेशानी, मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। जांजगीर चांपा में दल से बिछड़े हाथी का उत्पात जारी, 3 लोगों की जान ली। संसद भवन में पीएम मोदी और राहुल गांधी ने की मुलाकात, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी बैठक में हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी और गृहमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर बदली प्रोफाइल पिक्चर। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के सदस्यों का ऐलान, कमेटी में होंगे लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सांसद। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच तीखी बहस, धनखड़ के खिलाफ अविश्वास महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष। राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद जया बच्चन ने सभापति पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वो हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हंगामे के बाद राज्यसभा में कहा, विपक्ष का इस तरह का अमर्यादित बयान पहले कभी नहीं देखा। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, ईडी की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। शराब घोटाला केस में फरवरी 2023 से जेल में बंद थे सिसोदिया। सिसोदिया को जमानत मिलने पर सांसद संजय सिंह का बयान, केंद्र सरकार की तानाशाही पर लोकशाही का जोरदार तमाचा। दिल्ली में शूटर मनु भाकर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात, सिंधिया ने मनु भाकर को अष्टधातु की गणपति की मूर्ति भेंट की। वाराणसी में बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से लिखा पत्र, बांग्लादेश के हालात देख भारत में एनआरसी लागू करने की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा, स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 2 साल की बच्ची की मौत, शाहपुर के रहने वाली बच्ची का अहमदाबाद में इलाज जारी था। दिल्ली से आईसीएस का आतंकी गिरफ्तार, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था आतंकी, आईसीएस के आतंकी रिजवान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी तेज, तोपों से दागे गए 52 सेकंड में 21 राउंड गोले, भारतीय सेना ने फील्ड गन से सलामी की प्रैक्टिस की। आज पेरिस ओलंपिक्स में भारत को एक और पदक मिलने की उम्मीद, 57 किलोग्राम वर्ग रेसलिंग में अमन सहरावत ब्रॉन्ज के लिए करेंगे मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला पहला सिल्वर, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलाया सिल्वर। पीएम मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को दी बधाई, नीरज से चोट के बारे में भी पूछा, मां की खेल भावनाओं पर की तारीफ। गृहमंत्री अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक शानदार किस्सा लिखकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी, नीरज को बेहतरीन एथलीट बताया। आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा नीरज चोपड़ा ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के घर मना जश्न, जीत के बाद लोगों ने किया भांगड़ा। लगातार दूसरे ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज, स्पेन को 2-1 से मात, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात कर जीत की बधाई दी। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, कहा हॉकी का वो पुराना स्वर्णिम काल आप लोग लेकर आएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 5 मेडल अपने नाम किए। कांग्रेस पर भड़की विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट, कहा खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर न चलाए कांग्रेस। विनेश फोगाट के संन्यास के फैसले पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का बयान, कहा जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं, एक बार फिर विचार करें विनेश। और अब बात स्पेशल रिपोर्ट की, विदिशा में बीजा मंडल को लेकर विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठन ने बीजा मंडल को प्राचीन विजय सूर्य मंदिर बताते हुए एएसआई को नागपंचमी पर ताला खोलने के लिए आवेदन दिया। अब इस मामले में एएसआई ने लेटर जारी करके कहा कि मंदिर नहीं है, बीजा मंडल मस्जिद है, इसे लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। मस्जिद या मंदिर, फिर तकरार। इस मंदिर के ताले खोलने की मांग कर रहे हैं, वो मंदिर नहीं मस्जिद है। अब बीजा मंडल पर गहराया विवाद। तीन सौ 35 वर्षों से जंजीरों में कैद है मंदिर। आंदोलन किया हट, फिर होगी फाइट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के बीजा मंडल स्थित सूर्य मंदिर पर। यहाँ का एक मामला लगातार तेजी से
तुल पकड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक कलेक्टर ने पत्र जारी कर बीजा मंडल को यहाँ पर मस्जिद कहा है, जिसको लेकर यहाँ पर मामला तुल पकड़ रहा है, और जिस तरीके से लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो विरोध भी यहाँ पर कर रहे हैं। क्या है जी, परमार के वंश से भी पहले का ये मंदिर है, विजया देवी का ये मंदिर है। कलेक्टर ने इसको मस्जिद बोला है, वो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसको मस्जिद बोल रहा है। मेरा मानना यह है कि आपने आज तक किसी मस्जिद में कोई भी मूर्ति नहीं देखी होगी, तो जब मूर्ति नहीं होगी कहीं पे भी तो उसको आप मस्जिद बना सकते हो, लेकिन मूर्ति है उसको आप मस्जिद कैसे बोल रहे हो? जी हाँ, मसला एक बार फिर मंदिर और मस्जिद का आ गया है। दरअसल कलेक्टर की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि यहाँ मस्जिद है। स्थानीय लोग इस प्राचीन सूर्य मंदिर को विजया मंदिर या बीजा मंडल के नाम से जानते हैं। कलेक्टर महोदय आके आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, इसको सर्वेक्षण को पुनः नहीं करवा सकते? उसको दिखवा सकते थे, लेकिन अब हिंदुओं की सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर हम इसको नहीं खुलवा पा रहे तो ये विडंबना है। और खुलवाने का एक रीजन ये था कि केवल हम ये चाह रहे हैं कि नागपंचमी के दिन जो ताले की पूजा होती है उससे कहीं ना कहीं हिंदू आहत होता है। कहा जाता है कि 10वीं सदी में चालुक्य राजवंश ने प्रतिहारों पर विजय के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण कराया था। ये स्थान चालुक्यों की कुल देवी को समर्पित है। इतिहासकार की माने तो 1632 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोप से उड़ा दिया था और फिर इसे मस्जिद का आकार दिया गया। अब सरकार इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि इसे मंदिर ही रहने दिया जाए, इसका तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो तो मंदिर खुला हुआ है पूरा, क्योंकि वो मूर्ति रखे इसलिए वहाँ ताला लगा हुआ है, इसलिए वो खोला जाए और वहाँ से मूर्ति अनंत जगह जो है रखी जाए, स्थानांतरित की जाए। ये बात ASI के अधिकारी से हुई है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। कहते हैं कि भारत का नया संसद भवन हूबहू बीजा मंडल मंदिर की तर्ज पर बनकर तैयार हुआ है। बीजा मंडल में मंदिर होने के सभी तरह के सबूत मौजूद है। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा दिनेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। किस तरह से विवाद शुरू हुआ दिनेश, आपको नजर आ रहे होंगे पीछे कुछ लोग भी हैं। दिनेश, ASI के लेटर के बाद ऑब्वियसली ASI के रिकॉर्ड में जो था वो उसने अपने लेटर में इस बात का जिक्र किया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ेगा दिनेश। बिल्कुल ललित जी, मैं आपको बता दूं, इस रूप से यहाँ पर ASI का जो आधार पर जिस हिसाब से यहाँ पर विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने यहाँ पर लेटर जारी किया था, उसी लेटर के बाद यहाँ पर पूरा मामला यहाँ पर तूल पकड़ा है और यहाँ पर सुर्खियों में आया, क्योंकि यहाँ पर हर साल यहाँ पर नागपंचमी के दौरान इस विजया मंदिर यानी बीजा मंडल पर यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, और इस साल भी वो आने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर, हिंदू संगठन के लोगों ने यहाँ पर मांग कर दी थी कि इसके ताले खोलकर हम पूजा करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर जो कलेक्टर ने पत्र जारी किया है पुरातत्व विभाग के आधार पर, उसमें ये दर्शा दिया गया है, बोल दिया गया कि यहाँ पर बीजा मंडल मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। इसी को लेकर ये पूरे मामले ने यहाँ पर तूल पकड़ा है, और आज भी जिस हिसाब से यहाँ पर जो पूजा होती आई उसी हिसाब से आज पूजा हुई है, ताला यहाँ पर नहीं खुला है, और जिस हिसाब से कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद उनसे बातचीत करते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर ये मस्जिद थी यहाँ पर, जबकि मंदिर है, क्या कहना है इसको लेकर आपका? यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, मंदिर था, यहाँ पर हमेशा पूजा होती आई है, विजय मंदिर है, यहाँ पर पूजा होती आई है, पूजा होती है और आज भी पूजा हुई है, ताले नहीं खुले, इसका अफसोस है हम लोगों को, लेकिन पूजा होती आई है और पूजा होती है और करते रहेंगे हम लोग पूजा, और यहाँ पर मस्जिद पहले नहीं थी, यहाँ पर मंदिर है, विजय मंदिर के नाम से है, जो बीजा मंडल वो है। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ से देख रहे हैं वो के? हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, अगर मुझे याद है मैं 8-10 साल से मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे, हम वैसे नागपंचमी के टाइम यहाँ पे पूजा होती है और सभी लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं, ताले लगे रहते हैं। इस बार हम लोगों ने मांग की थी सभी संगठनों ने, हिंदू संगठन में, कि यहाँ पे ताले खोल के पूजा की जाए, लेकिन ये ताले नहीं खुले, ये दुर्भाग्य हमारा, लेकिन आगे हो सकता है ताले खुलवा की पूजा होगी। बिल्कुल ललित जी, यहाँ पर ताले खुलवाने के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ न्यूज 18 ने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि यहाँ पर जिस हिसाब से बोला गया था कि ये मस्जिद है, लेकिन आसपास का जो पूरा इलाका है
हिंदू देवी देवताओं की जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर मुगल शासक काल में यहाँ पर औरंगजेब द्वारा यहाँ पर इसमें तोपों से यहाँ पर इस मंदिर को उड़ाया गया था, जिसके बाद से ये जो मंदिर को बताते हैं 11वीं और 12वीं शताब्दी का ये पूरा मंदिर बना हुआ है, और जिसमें परमान काल में भी इस मंदिर को यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन पूरा मामला जिस हिसाब से तूल पकड़ चुका है, अब जिस हिसाब से हमने देखा है कि यहाँ पर धार के भोजशाला का यह मामला निकल के सामने आया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी लोगों का कि ये यहाँ पर जो आसपास का जो पूरा इलाका है ये हिंदू मंदिर को दर्शाता है। लेकिन जिस हिसाब से ASI के पत्र के उसके बाद में यहाँ पर जो कलेक्टर विदिशा ने यहाँ पर पत्र जारी किया था, उसके बाद इस मंदिर की जगह को यहाँ पर मस्जिद बता दी गई थी, जिसको लेकर यह विवाद गरमाया था। और सोशल मीडिया पर तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने भी यहाँ पर विरोध जताते हुए कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर ये करा जा रहा है, कलेक्टर या ASI के और विधायक ने भी यहाँ पर मांग की है कि इसका फिर से यहाँ पर सर्वे कराया जाए एक बार, कि उस सर्वे के आधार पर यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। बिल्कुल, हालांकि ये मंदिर तब भी चर्चाओं में रहा जब नया जो संसद भवन तैयार हुआ था उसकी डिजाइन को लेकर भी ये मंदिर उस वक्त चर्चाओं में रहा। आपके साथ लोग हैं दिनेश, उनसे पूछिए कि आगे क्या कुछ उनकी रणनीति होगी, क्योंकि ये तय है कि ASI अपने रिकॉर्ड से अलग हटेगी नहीं, और ASI अपने रिकॉर्ड से हटेगी नहीं, और यह भी तय है कि अदालत जाए बिना इसका निराकरण होगा नहीं। लोगों का क्या कहना है दिनेश? बिल्कुल जी, जिस हिसाब से ASI ने यहाँ पर कहा है पुरातत्व विभाग ने कि ये मस्जिद है मंदिर नहीं है, अब यहाँ पर हिंदू संगठन लोग क्या चाहेंगे, क्योंकि बगैर कोर्ट के मामला होगा नहीं। देखो, ये रहता है कि अगर किसी का घर भी होता है तो वो घर नहीं छोड़ता है, तो अब यहाँ पर हम लोगों का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, सभी लोगों का आस्था का केंद्र है, हिंदू जितने भी रहते हैं यहाँ पे, और पूर्वज भी हमारे पूजते आए हैं, या भी हम लोग भी यहाँ पर पूजा करते आए हैं, तो हम लोग तो पूजा करेंगे यहाँ पर। और हम लोगों की मांग है सरकार से, यहाँ पर आके ताले व खुलवाए जाएँ और सभी लोग यहाँ पर अच्छे से पूजा करें और मंदिर की पुनर्स्थापना की जाए। जरूरत पड़ी तो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा जाएंगे जी, पड़ी तो आगे हम लोग जो कोर्ट का दरवाजा खटकाने की जरूरत पड़ी तो उसको करेंगे। इस पे ललित जी, लोगों का कहना ये है कि जरूरत पड़ी तो यहाँ पर हिंदू संगठन और हिंदू लोग यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, कोर्ट की शरण में भी जाएंगे, और इस मंदिर को लेकर लगातार यहाँ पर जो है वो अपनी मांग और यहाँ पर आंदोलन लोग करते रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत धन्यवाद। और अब ये मामला किस तरह से आगे जाएगा, किस तरह का घटनाक्रम इस मामले में सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये दरअसल स्थितियां इस वजह से बनी कि संगठनों ने कहा कि भाई हमें यहाँ पर पूजा करने के लिए परमिशन चाहिए, और तब ASI ने अपने रिकॉर्ड का हवाला दिया कि बीजा मंडल मस्जिद है जो सदियों से मंदिर के तौर पर जहाँ पूजा होती रही है। इसी के साथ